कुछ शॉल सोना चांदी के धागे बीच में डालकर बनाए जाते हैं। यहां की खरीदारी यात्री की पसंद और उनकी जेब पर निर्भर है। श्रीनगर में क्रिकेट के बल्ले बनते हैं जो कि ऊंचे दाम पर बिकते हैं। ज्यादातर क्रिकेट की राष्ट्रीय टीम बल्ले कश्मीर से ही खरीदती है। कश्मीर की कुछ दूसरी जगहों पर भी बल्ले बनते हैं, जैसे कि सफरो, पामपोर जो कि पहलगाम में पड़ते हैं। लकड़ी की चित्रकारी के लिए लकड़ी पेड़ के तीन भागों से ली जाती है, तना, टहनी तथा बीज का हिस्सा। चित्रकारी हमेशा नरम लकड़ी पर की जाती है। खासकर खरात द्वारा लकड़ी पर चिनार के पत्ते, वीनस, बाग, पेड़ की आकृतियां, झरनों के दृश्य, पर्वत, नदियां इत्यादि बनाए जाते हैं। लकड़ी पर दृश्य को साकार करना कलाकार के ऊपर निर्भर करता है। आज यात्री आराम से श्रीनगर से लद्दाख की यात्रा कर सकते हैं, मोटर, बस द्वारा या अपने वाहन से। 2 दिन की यात्रा के बाद यात्री करगिल में ठहरता है। यहाँ यात्रियों के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। पार करने के बाद यहाँ की पथरीली भूमि शुरू हो जाती है। लद्दाख का पहला गांव आता है जहाँ मिली जुली जनसंख्या है। द्रास संसार की दूसरी जगह है जहां सर्दी अधिक पड़ती है और लोग रहते हैं, परंतु गर्मी के दिनों में ये दर्शनीय जगह है। इसे देखने के लिए सैलानी दूर दूर से आते हैं। द्रास के बाद घाटी तंग हो जाती है। यहां पर ज्यादा बंजर भूमि और हरियाली छोटे छोटे पैच में नजर आती है। यहां एक छोटा सा गांव भी है जिसे पर्वतीय मरुस्थल कहा जाता है। करगिल के बाद आगे जैंस्कर रेंज आती है। ये रास्ता ऊबड़ खाबड़ घाटी से होता हुआ जाता है और लेह लद्दाख की सैर करें। प्रकृति की सुंदरता के हर रंग के दृश्य आपको यहां देखने को मिलेंगे और मन को शांति मिलेगी। लेह लद्दाख को बर्फ का देश माना जाता है। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसे लामाओं की भूमि भी कहते हैं। इसे भारत का मन और कश्मीर को भारत की आत्मा कहा जाता है। समुद्र तल से लेह की ऊंचाई 3,521 मीटर और श्रीनगर से दूरी 434 किलोमीटर है। ये लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म चीन तिब्बत से होता हुआ लेह लद्दाख में पसरा। यहां से श्रीनगर कश्मीर होता हुआ भारत पहुंचा। यदि आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाना चाहते हैं तो लेह की सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करें। कुदरत द्वारा बनाए देवी देवताओं के स्थान देखें। आकाश को छूती हुई पर्वत की चोटियां, बर्फ की चादर ओढ़े पर्वतमालाएं, कलकल बहती नदियां, नाले।